वेलकम दोस्तों, आपका हमारे चैनल पैरानॉर्मल फाइल्स हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आप भूत प्रेत, जादू टोना, पिशाच चुड़ैल, कला जादू और पैरानॉर्मल से रिलेटेड वीडियो देखेंगे। इस चैनल पर हम हर हफ्ते एक स्टोरी लेकर आते हैं, तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डायन क्या होती है और डायन क्या होती है। डायन या डाकन के बारे में आपने बखूबी सुना होगा। डायन शब्द हमारे दिमाग में आते ही हम समझने लगते हैं कि डायन एक भूत होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। डायन एक भूत नहीं होता है, वरन डायन एक महिला होती है। डायन शब्द लगभग भारत के हर हिस्से के अंदर प्रचलित है। ये शब्द कैसे प्रचलित हुआ? क्या डायन सच में ही होती है? कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हम इस लेख के अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे और डायन के बारे में पूरी गहराई से जानेंगे। ध्यान दें, इस लेख को लिखने का मकसद मात्र जानकारी देना है। यदि आप इस लेख को पढ़कर किसी के साथ गलत करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, न कि यह वेबसाइट या लेखक। डायन या डाकन क्या होती है? डायन क्या होती है? आपके मन में पहला यही सवाल उठ रहा होगा, तो आपको बता दें कि विभिन्न मान्यताओं के अनुसार डायन एक महिला होती है और आमतौर पर वह एक जिंदा महिला होती है। एक कुंवारी लड़की को डायन नहीं माना जाता है। जब किसी महिला की शादी हो जाती है और उसके बाद उसके बच्चे नहीं होते तो वह डायन बन जाती है, लेकिन वास्तव में ये सच नहीं था। डायन बनने का संबंध बच्चे न होने से प्राचीन काल में रहा होगा, लेकिन हर महिला ऐसा नहीं करती थी। यदि हम ये कहें कि डायन एक ऐसी महिला होती है जो जादूगरानी होती है और बच्चे पाने के लिए या ऐसी ही डायन साधना करके डायन बन जाती है, या उसके अंदर अलौकिक पावर आ जाता है। डायन और चुड़ैल में क्या अंतर है? डायन और चुड़ैल में क्या अंतर है? दोस्तों, जहाँ तक मुझे ज्ञात हो सका है, डायन एक जिंदा महिला होती है, लेकिन चुड़ैल एक मरी हुई महिला होती है। चुड़ैल एक आत्मा होती है, लेकिन डायन एक आत्मा नहीं होती है। हालांकि चुड़ैल और डायन में कुछ समानताएं हैं। जैसे चुड़ैल अपना रूप बदल सकती है, तो डायन भी एक सीमा तक ऐसा कर सकती है। डायन या डाकन की उत्पत्ति। डायन या डाकन की उत्पत्ति। वैसे डायन की उत्पत्ति के बारे में सही ज्ञात नहीं है, लेकिन प्राचीन काल के अंदर यह प्रथा बहुत आम प्रथा थी। हालांकि इसके पीछे के सच के बारे में हम बाद में बात करेंगे। विकिपीडिया के अनुसार सन 1953 से पहले ही डायन शब्द प्रचलन में आ चुका था। सन 1953 के अंदर मेवाड़ के महाराणा ने डायन प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। रेगर समाज वेबसाइट के अनुसार डायन शब्द या डायन का अस्तित्व 15वीं शताब्दी के अंदर महाराष्ट्र के लातूर नामक जिले के हारागुल गांव से डायन प्रथा की शुरुआत हुई थी, और बाद में ये भारत के दूसरे गांवों के अंदर कैसे फैली इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। प्राचीन काल के अंदर डायन या डाकन से जुड़ी अनेक लोक कथाएं मौजूद हैं। हालांकि उनमें से कोई भी लोक कथा सच नहीं है, किंतु पीढ़ी दर पीढ़ी उनको सुनाया जाता रहा है। इसी संबंध में मैं आपको एक लोक कथा बताना चाहूंगा जो डायन के संबंध में मैंने अपनी पूर्व दादी माँ से सुनी थी। इस कथा के अनुसार एक बार एक महिला का बच्चा मर गया था। उसके बाद बच्चे के घर वालों ने उसको शमशान में गाड़ दिया। उस समय राजस्थान के अंदर लोग ऊंटों पर रात को यात्रा करते थे। एक डायन जिसने बच्चे को मारा था, वो रात को 12 बजे दूसरे दिन शमशान गई और बच्चे को जिंदा करके खिलाने लगी। जब हमारे पास के शमशान से रात में दो राहगीर ऊंट से गुजर रहे थे तो उन्हें बच्चे के खिलाने की आवाज़ सुनी। उसके बाद वे ऊंट को रोक कर शमशान में गए और डायन को भगा दिया। वह बच्चे को ले आए गाँव, आकर बच्चे को वापस घर वालों को सौंप दिया। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि प्राचीन काल के अंदर चमत्कार की कहानियां सुनाई जानी आम बात थी। डायन, इसी संबंध में मैं आपको एक न्यू लोक कथा सुनाना चाहूंगा जो मीरांग गांव, जो राजस्थान के अंदर पड़ता है, वहां की लोक कथा है जिसको बहुत से लोग रियल मानते हैं। इसी गांव के अंदर एक महिला रहा करती थी, हालांकि मुझे उसका नाम कोई नहीं बता सका। कथा के अनुसार महिला के 7 पुत्र थे। उस महिला के बारे में सबको पता था कि वो डायन है। एक दिन गांव के अंदर ही किसी को 2 पुत्र हुए। जब वे लड़के थोड़े बड़े हुए तो इत्तेफाक से वो डायन उनके घर आ गई और दोनों में से एक पुत्र को गोद में लेकर खिलाने लगी, और कुछ समय खिलाने के बाद उसे छोड़कर वही चली गई। बाद में वह बच्चा मर गया और घर वालों ने उसे शमशान के अंदर दफना दिया। डायन रात के अंदर शमशान में जाती और मरे हुए बच्चे को खिलाती। बच्चे रोने की आवाज़ कई लोगों ने सुनी, लेकिन किसी ने गौर नहीं किया। उसके बाद एक दिन वो डायन फिर उसी घर के अंदर आई और फिर एक बच्चे को खिलाने लगी। अब की बार भी उसने बच्चे को वैसे ही मार दिया। हालांकि घर वालों को पता चल चुका था कि उस डायन ने ही बच्चे को मारा है।
तब वे एक तांत्रिक को लेकर आए। तांत्रिक ने भी वही बताया जो घर वाले पहले से जानते थे। उसके बाद तांत्रिक अपनी बात को सिद्ध करने के लिए रात में उस वक्त शमशान में सबके साथ गया जब डायन बच्चे को खिला रही थी। उसने सबको दिखा दिया कि डायन ने ही बच्चे को कलेजा निकाल कर मार दिया है। इस कहानी के अंदर बच्चा वापस जिंदा नहीं होता है। उसके बाद महिला की बहुओं ने अपने पतियों से कहा कि आपकी माँ डायन है, लेकिन बेटों ने किसी की भी बात नहीं मानी। फिर एक दिन जब डायन रूप बदल कर कहीं गई थी तो उसके कपड़ों को बहुओं ने छुपा दिया था। उसके बाद जब डायन मांस खाने के लिए किसी दूसरे के घर में बिल्ली के रूप में थी तो उसका मुंह जल गया। जब वो बिल्ली बनी वापस आई तो उसे अपने कपड़े नहीं मिले तो माओ माओ करती घूमने लगे। तब बहुओं को पता चल चुका था कि उनकी सासू माँ आ चुकी है। उन्होंने कपड़े बाहर फेंक दिए। तब डायन ने अपना रूप बदल लिया और वापस औरत बन गई। यदि आप अपने आसपास इस प्रकार की स्टोरी सर्च करेंगे तो बहुत मिल जाएगी। इन स्टोरी के आधार पर आइए जान लेते हैं कि आखिर डायन की उत्पत्ति कैसे हुई होगी और उसकी संभावनाओं पर विचार करते हैं। डायन कहीं ना कहीं रियल घटनाओं से जुड़ी है और डायन प्रथा डायन का गलत रूप है। आपको बता दें कि प्राचीन काल के अंदर हो सकता है डायन रही होगी, लेकिन डायन प्रथा डायन की उत्पत्ति के बाद अस्तित्व के अंदर आई है। ऐसा हुआ है कि जब डायन के प्रकोप से लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए तो उन्हें जो भी महिला डायन लगी उनको मारना शुरू कर दिया, जिसको डायन प्रथा करार दिया गया। कोई भी प्रथा जब अस्तित्व के अंदर आती है तो उसका कोई ना कोई आधार जरूर रहता है। इसके अलावा डायन की उत्पत्ति को इस वजह से भी बल मिला क्योंकि प्राचीन काल के अंदर पुत्र को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था और हो सकता है महिलाएं पुत्र पाने के लिए ऐसा करती होगी। डायन क्या होती है? क्या डायन अब भी मौजूद है? क्या डायन पहले होती थी? बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि क्या डायन आज भी मौजूद है। इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है, लेकिन मुझे जो लग रहा है वो ये है कि डायन जैसी कोई चीज आज मौजूद नहीं है। ऐसा कहने की वजह ये है कि आज हम लोग कोई भी ऐसी कथा नहीं सुनते हैं जो डायन से जुड़ी हो। हाँ, कुछ ऐसी कहानियाँ जरूर सुनते हैं जो रियल है। वो वास्तव में डायन नहीं वरन डायन प्रथा है। आपको डायन प्रथा और रियल डायन के अंदर फर्क समझना होगा। दरअसल डायन प्रथा के अंदर किसी महिला को डायन बताकर प्रताड़ित किया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक डायन प्रथा के नाम पर 1000 महिलाओं को मारा जा चुका है। अब हमारा दूसरा प्रश्न है जिसका उत्तर हम आपको बता दें कि पहले डायन वास्तव में हुआ करती थी। ये सच है। ऐसा कहने की वजह है कि भारत के अनेक हिस्सों के अंदर प्रचलित लोक कथाएं और कुछ तो ऐसी कथाएं हैं जिनका अनुभव करने वाले भी जिंदा हैं। और इतना तो आप ही जानते होंगे कि कोई भी चीज जिसका कोई अस्तित्व नहीं है वो हर जगह पर नहीं फैल सकती है। झूठ लंबे समय तक टिक नहीं पाता है। बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि डायन एक अंधविश्वास था, लेकिन उनको नहीं पता कि डायन अंधविश्वास नहीं वरन सच था। हाँ, अब ये सच नहीं रहा है। यदि आप नजर लगने में विश्वास करते हैं तो आपको पता होगा कि महिलाओं की नज़र ही क्यों लगती है। यह नज़र लगना भी एक डायन से जुड़ा तथ्य है। डायन इसी हथियार का प्रयोग बच्चे को मरने में करती थी। कुछ महिलाएं आज भी ऐसी होंगी जो अपनी नज़र के बुरे प्रभाव से किसी को बीमार बना सकती हैं। डायन से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्य। अब चलिए प्राचीन काल की स्टोरी के हिसाब से हम आपको डायन से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्य के बारे में भी बता दें, जिससे आपको पता चलेगा कि डायन कैसी होती थी और डायन के पास कैसी काली ताकतें होती थी। डायन पर काया प्रवेश में परांगत होती थी। अनेक लोक कथाओं के अंदर इस बात का जिक्र मिलता है कि डायन पर काया प्रवेश के अंदर परांगत होती थी। वे आसानी से किसी भी रूप में आ सकती थी। हालांकि मेरे हाथ लगी लोक कथाओं के अंदर डायन को सिर्फ बिल्ली के शरीर के अंदर ही बताया गया है। संभव है वह किसी और काया के अंदर भी प्रवेश कर सकती हो। पर काया प्रवेश एक विधि होती है जिसमें इंसान अपने शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर के अंदर अपनी आत्मा को ले जा सकता है। डायन को बच्चे से प्रेम होता था। लगभग सारी लोक कथाओं के अंदर आपको इस बात का जिक्र मिलेगा कि डायन बच्चे को ले जाती थी और उसे मार देती थी, जिससे ये साबित हो जाता है कि प्राचीन काल के अंदर वे ही महिलाएं डायन बनती होगी जिनको बच्चों से काफी प्रेम रहा होगा। डायन काले जादू के अंदर परांगत होती है। आपको बता दें कि डायन काले जादू के अंदर परांगत होती है। काले जादू की मदद से वो आसानी से किसी का भी अहित कर सकती है। काले जादू को सीखने के लिए पहले उसे कठोर साधना करनी पड़ती है और इसके लिए किसी तांत्रिक की आवश्यकता होती है। उसकी की देखरेख में ही सब किया जाता है। क्या विधवा या निस्तान महिलाएं प्राचीन काल में डायन होती थी? बहुत से लोग यह मानते हैं कि प्राचीन काल के अंदर ऐसी महिलाएं डायन बन जाती थी जो विधवा होती थी और निसंतान होती थी, लेकिन वास्तव में ये सब गलत है। कोई भी महिला जो तांत्रिक सिद्धि प्राप्त कर लेती थी वही डायन बनती थी। उसका विधवा या निसंतान से कोई कनेक्शन नहीं था। इस बात की पुष्टि लोक कथाओं के अंदर होती है।
डायन रक्तपिती थी। बहुत से लोगों का यह मानना है कि प्राचीन काल के अंदर डायन रक्तपिती थी। उनका कहना सही जान पड़ता है। अधिक स्टोरी के अंदर डायन को रक्त पीने वाली महिला के रूप में चित्रित किया गया है, जिससे ये साबित होता है कि हो सकता है डायन ऐसा करती होगी। डायन लोगों को प्रेम जाल में फंसाती थी। हरांगुल की स्टारी यदि आप पढ़ेंगे तो आपको डायन का एक अलग ही रूप नजर आएगा। इस गांव के अंदर डायन सबसे पहले पैदा हुई थी। इस गांव में डायन पर एक फिल्म भी बन चुकी है। स्टोरी के अनुसार कुछ महिलाएं पहले तांत्रिक क्रियाएं सीख गईं और उसके बाद पूरे गांव की महिलाओं को डायन में बदल दिया। पहले ये गलत काम केवल रात के अंदर होता था, लेकिन बाद में ये दिन में भी होने लगा। डायन जवान लड़कों को अपने प्रेम जाल के अंदर फंसाती और उनको बाद में खून चूस कर मारकर पेट पर लटका देती। तब जब डायनों का अत्याचार बढ़ गया तो गांव के लोगों ने डायनों को जिंदा जला दिया। मरने से पहले डायनों ने कहा था कि वे जल्दी ही वापस आएंगी। आज भी वहां पर रात को पेड़ के पास सोना मना है। पेड़ के अंदर थुका भी नहीं जाता है। अब भी उन डायनों का वहां पर खौफ है। डायन कैसे बनती है? डायन साधना डायन कैसे बनती है? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारे पास नहीं है, लेकिन कुछ वेबसाइटों के अंदर ये लिखा हुआ है कि डायन काले जादू की कुछ ऐसी विधियों का प्रयोग करती है जो लुप्त हो चुकी है। कई जगह जहां पर डायन बनाने की सूचना पुलिस को मिली है, वहां पर कई तरह की अजीबोगरीब चीजें बरामद भी की गई है। इन चीजों के अंदर नर कंकाल, हड्डियां, भभूत चाकू, गुड़िया, पुतले आदि। ऐसा माना जाता है कि डायन बनने के लिए डायन साधना करनी होती है और इस साधना के अंदर महिलाएं किसी तांत्रिक की मदद लेती हैं और शमशान के अंदर विशेष पूजा की जाती है और यह पूजा होली दिवाली पर होती है। जो महिलाएं डायन बनती हैं वे नग्न होकर नाचती हैं। डायन साधना कैसे होती है, इस पर मुझे जानकारी नहीं मिल सकी है। यदि जानकारी मिलेगी तो इस बारे में भी हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही और भी मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल पैरानॉर्मल फाइल्स हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब करें।